नेता देखना चाहते हो आप, क्या बताओगे? अब तो अभी चाहेंगे राजू पारोल जी को ही नेता बने करके। हमारे को महिला को जो साथ दे सकते हैं, जो घरेलू महिला है उनको अत्याचार होते हैं उनको साथ दे सकते हैं, हम उनको ही चाहेंगे। आप किसे आपका नेता देखते हो? रश्मि ताई बर्वे को, श्याम बर्वे। रश्मि जी का तो फॉर्म अभी हो गया ना, कैंसिल हो गया, तो श्याम बर्वे जी। बीजेपी जो संगठित है वो तो क्या हर बार जिसके तरफ से अपना मिलता है उसके तरफ जाते रहते हैं क्या? आप किसे अपना सांसद देखना? राजू पारोल। काका क्या बताओगे, लोकसभा चुनाव का माहौल है, आप किसे सांसद देखते हो? आप राजू पारोल। जैसे कि हम सभी को पता है कि पहले चरण में नागपुर में जो है लोकसभा का चुनाव का मतदान होने जा रहा है, और आज हम आए हैं रामटेक लोकसभा क्षेत्र में जो कि दत्तवाड़ी, ये नागपुर के पास का परिसर है, और यहाँ पर हम जानेंगे कि नागरिकों की क्या राय है, वो किसको अगला नेता अपना चुनने वाले हैं या किसे अपना नेता देखना चाहते हैं। तो चलिए मेरे साथ जानते हैं पब्लिक से कि उनकी क्या है राय। क्या बताओगे, लोकसभा चुनाव है, रामटेक से जो है बर्वे और राजू पारवे इनमें मुकाबला हो रहा है लोकसभा के लिए, आप किसे आपका नेता चुनना चाहते हो, आप मतदान करने वाले हो? अब तो अभी चाहेंगे राजू पारवे जी को ही नेता बने करके। ऐसा क्या किया राजू पारवे जी ने कि आप उनको ही नेता देखना चाहते? ठीक है मैडम, सिस्टम होता है, सिस्टम ऐसा है कि राजू पारवे जी एक विधानसभा के क्षेत्र से आमदार है फिलहाल। अभी सिस्टम में से उनको किस तरीके से विकास किया जाता है ये चीज उनको मालूम है, और उनके मुकाबले में जो कांग्रेस से उम्मीदवार है वो तो सिस्टम में है ही नहीं ना, जो सिस्टम में है ही नहीं उनसे किस तरीके की उम्मीद रखेंगे कि वो किसी तरह का जो अपने राज्य जिले के लिए कोई विकास करेंगे करके। सिस्टम में जितने अभी तक उन्होंने विकास किया है, मतलब ऐसा कहना आप? देखिए सिस्टम मालूम होने के बाद वो विकास करते हैं नहीं करते ये अलग बात है, पर विकास करने के लिए सिस्टम तो मालूम होना जरूरी है ना। अभी मेरे को इस रास्ते पे चलना ही नहीं मालूम है तो मैं रास्ते पे क्या चलूंगा। क्या बताओगे भैया, लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पे जो है प्रचार रैली भी आपके बाजू में चल रही है, तो क्या बोलो, क्या बताओगे आप, किसे आपका नेता देखते हो? नितिन जी गडकरी। गडकरी, हाँ, आप गडकरी को नेता देखना चाहते हो, लेकिन वो नागपुर लोकसभा के सांसद होने वाले हैं अगर होते हैं तो। आपका क्षेत्र जो है रामटेक लोकसभा क्षेत्र है, तो आप किसे आपका नेता देखना चाहते हो? रामटेक लोकसभा से जो है महाविकास आघाड़ी के लिए श्याम बर्वे है, और महायुति के लिए जो है राजू पारवे है जो कि शिंदे गुट के है, और बाकी अपक्ष लोग भी है, तो आप किसे आपका, और वंचित से भी है, तो आप किसे आपका नेता देखना चाहते? शिंदे गुट के। शिंदे गुट के जो अभी अभी कांग्रेस से राजू पारवे जो है शिंदे गुट में गए हैं, क्यों उन्हें देखना? क्योंकि अभी ये जो विकास हो रहा है ये हो रहा है, नितिन जी गडकरी है वो है, इसलिए हम उनको चाहते है। विकास हो रहा है तो कौन सा विकास हुआ है क्या बताओ? तो अभी तो उनसे इससे तो नहीं हुआ, लेकिन गडकरी साहब की इसमें होगा, बीजेपी में एक ही हो गए सब, वो बीजेपी और वो अपना शिंदे गुट। राजू पारवे हाँ। ये क्या विकास देखना चाहते हो आप? ये अभी तक ये कांग्रेस के राज में नहीं हुआ, अभी जो हो रहा गडकरी साहब के इसमें, वो अभी वो शिंदे गुट के इसमें कोई देख, यानी विकास देखना चाहते हो क्योंकि अभी हो रहा। राजू पारवे आएंगे तो आपको लगता है विकास होगा, ठीक है। आज हम आए हैं रामटेक लोकसभा क्षेत्र के उमरेड़ में। उमरेड़ ये जो है एक बड़ा ऐसा तहसील लेवल पर गांव है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा ऐसा मार्केट भी है जहाँ आसपास के गांव के लोग यहाँ आते हैं, और आज हम उमरेड़ में जानेंगे लोकसभा चुनावी का क्या हाल है, किस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया है, वो किसे अपना जन्मत देना चाहते हैं। आपका भावी सांसद किसे देखते हो? मेरा नाम अम्बालाल भाईलाल भाई पटेल, गुजरात का रहने वाला हूँ। इधर 50 साल से मैं उमरेड़ में रहता हूँ, और यहाँ जो मैंने परिस्थितियाँ देखता हूँ तो मोदी जी जो है तो आखिरी कई सालों से जो पहले ये हुआ पर कोई विकास का नाम का कुछ हुआ नहीं है। आखिरी 10 साल के अंदर में उमरेड़ में ऐसा विकास अच्छा हुआ है कि आगे आने वाले पीढ़ियों में भी लोकसभा के अंदर में हम बीजेपी के हिसाब से शिवसेना का इधर जो कैंडिडेट खड़ा है राजू भाऊ पारवे, उसने गए 5 साल भले कांग्रेस में था, वो मूल शिवसेना का आदमी है, लेकिन इधर जो भी है वो आज वो कांग्रेस शिवसेना में आए हैं, और शिवसेना में अच्छा कार्य कर रहा है, और उसने गए 5 साल के अंदर में उसने विकास का काम और छोटे मोटे गरीब लोगों का अच्छा काम किया। मैं एक इसके पीछे एक दृष्टांत देता हूँ,
मेरे एक सामने की बात है, एक भाई लड़की थी, वो छोटी सी गरीब घर की थी, उसको मैंने राजू बाबू को फोन किया कि राजू बाबू इसका घर में मैयत हो गई है, कोई भी आदमी उसको सहारा देने वाला नहीं है, उसका मैयत के लिए उसको कुछ आप सहायता करो। राजू बाबू ने तुरंत 5,000 रुपया उसको दिया और रात को खुद मिलने के लिए। आज भी राजू बाबू का इतना अच्छा ये काम है, तो मैं मानता हूँ कि उमरेड की जनता आगे बीजेपी वाले का, बीजेपी शिवसेना उसी को ही ये देंगे, ये मेरा ये है। और इस तरह से आपने बताया कि विकास, तो कौन से विकास के ऐसे 5 कार्य बताएंगे आप जो बीजेपी के कार्यकाल में यहाँ हुए हैं? बीजेपी का कार्यकाल के अंदर में इधर रोड रस्ते, आजू बाजू का रोड रस्ते जाने का, जैसा उमरेर से लेके शीर्षी तक का जाने का, ये जो पहला छोटा रोड था वो रोड बड़ा बनाया। दूसरा विवाह, ये इधर का जो है और नागपुर वाला रोड भी अच्छा, रेलवे का भी इधर काम अच्छा चल रहा है, वो सब माने केंद्र का ये होने की वजह से और केंद्र का सहयोग जो इधर राज्य में भी साथ में रहा तो अच्छा ये विकास हो सकता है, वो मेरा कर्तव्य है। और भी लोग यहाँ पे हैं, नागरिक हैं उमरेर के, क्या बताओगे भैया आप, किसे आपका सांसद देखते हो अगला? जो विकास करेगा उसी को देंगे। और भी हमारे साथ नागरिक है, उनसे जानेंगे। काका क्या बताओगे, लोकसभा चुनाव का माहौल है, आप किसे सांसद देखते हो? राजू पारवे। क्यों उन्हीं को? क्योंकि वो काम करने लायक आदमी है, गांव का आदमी है, कभी भी बुलाएंगे तो उनके पास जा सकते हैं, वो आ सकते हैं। कौन से काम किए अभी? अभी तक उतना बहुत काम किए है, नहीं किया ऐसा नहीं है, कैसा दिखाई नहीं देता काम कोई भी हो, उसको जो काम है पुराने काम उनने नहीं किए, कुछ कुछ अच्छे अच्छे काम किए और अच्छे अच्छे करेंगे भी, उनकी सत्ता नहीं थी इसलिए उनने जो काम जो पूरा करना था वो काम नहीं हुआ, अधूरा काम पूरा हो जाएगा। आप सत्ता में आएंगे तो पूरा? सत्ता में आए आना ही है ना, यंग है, युवा पीढ़ी के लिए वो अच्छे। और भी नागरिकों का जनमत हम जानते हैं कि वो अपना सांसद किसे देखते हैं, तो चलिए मेरे साथ मार्केट परिसर में हम जानेंगे कि यहाँ के लोगों का क्या है जनमत। हम जानते हैं कि रामटेक लोकसभा के लिए आप किसे अपना सांसद चुनना चाहोगे, वोटिंग करते हो? हाँ। तो अगला सांसद आप किसे देखना चाहोगे? राजू पारवे को, राजू पारवे कांग्रेस में, अपने शिवसेना भी। क्यों उन्हीं को? क्योंकि उन्होंने अभी काम बहुत अच्छा किया है हमारे क्षेत्र में, इसलिए। कौन से अच्छे काम किए? जैसे रोड, पहले रोड नहीं थे हमारे, नाले हुए हुए, बाकी पानी, पानी का समस्या था बहुत कम। रोड और पानी की समस्या तुम्हारी हल हो जाती है तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो सब विकास काम हो गए? नहीं नहीं, और वो काम चालू है, उनको अभी काम पेंडिंग पर है अभी। राजू पारवे को आप अपना सांसद? अच्छा, आप किसे अपना सांसद देखना? राजू पारवे। क्यों उन्हीं को? हमारे गांव का अभी 20 साल हो गए, मेरी उम्र गई, लेकिन हमारे इधर का कोई खासदार अभी तक बना ही नहीं और विकास भी नहीं हुआ, हम वहाँ का जाएंगे, हम सामने, हम तो उमरेड के। अगर राजू पारवे सांसद बनते हैं तो आपके विकास हो जाए? विकास हो जाएगा, कभी भी मिलते हैं, आते जाते रहते, सिटी का देखभाल करते रहते, इसलिए राजू पारवे। लोकसभा के हमारे साथ, उनसे हम जानते हैं कि किसे आप आपका नेता देखना चाहते हैं? वैसे तो अभी तक के कृपाल तुमाने जी रामटेक लोकसभा से लड़ रहे थे, बट अभी उनकी जगह राजू पारवे जी को मिल रही है, तो हम लोग उन्हीं को ही क्या बोलते सपोर्ट करेंगे। क्यों उन्हीं को सपोर्ट करेंगे? एक्चुअली मेन चेहरा जो है वो नितिन जी गडकरी है, क्योंकि कैसी ना, जो नागपुर में आज से 10 साल पहले का जो नागपुर था और अभी 10 साल के बाद वाला जो नागपुर है वो सबको दिखाई पड़ता है, और सबसे स्पेशली तो यही है कि यंगस्टर जितनी भी पीढ़ी है वो कोई यानी कि अंगूठा छाप तो है नहीं अभी के कंडीशन में, सब पढ़े लिखे हैं, पहले चल जाता था। गडकरी के चेहरा देखते हो और राजू पारवे इन्हें चुनकर लाना चाहते हो, तो आपको लगता है वैसा विकास वाड़ी में होगा? बिल्कुल, अब तक तो हुआ है, क्योंकि इसके पहले शिवसेना की लोकसभा ये थे अपना नेता थे, सांसद थे, तो नितिन गडकरी जी भी नागपुर के ही, और उनके थ्रू ही क्या बोलते अपना रामटेक लोकसभा की सीट उनको मिलती थी, और उन्हीं का चेहरा देखते हुए कृपाल जी तुमाने को वोट मिलता था, उसी तरह राजू पारवे जी को भी नितिन जी गडकरी का चेहरा देख के ही वोट किया जाएगा। तो ये जनता थी वाड़ी की, जो कि नागपुर से सटे दत्तवाड़ी है, लेकिन ये आता है रामटेक लोकसभा क्षेत्र में, और हमने यहाँ पर जाना लोगों का जनमत क्या है, पब्लिक का मत आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।